Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Being Organization to Yog Vashishth Morning Session. Namaste, मैं Someshwar, आप सभी का Art of Being संस्था की तरफ से Yog Vashishth के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ. रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत भी हम लोग तीन बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे. All our Zoom participants, all our YouTube viewers and all our Facebook viewers, you are all welcome to this session. Today we are on 119th session. आज हम लोग 119वें सत्र में यहाँ पर पहुंच चुके हैं. यह सत्र अपना हिंदी में रहेगा, इसका अपना सेम वर्जन इंग्लिश में हम लोग शाम को लेते हैं. तो चैप्टर वाइज यदि देखा जाए तो हम लोग निर्वाण प्रकरण चैप्टर नंबर 7 उसका उत्तरार्ध प्रकरण यहाँ पे चल रहा है. उसमें जो सब चैप्टर्स होते हैं उसमें 92 नंबर का चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे. तो उससे पहले लेट्स ऑल क्लोज अवर आइज, प्रार्थना कर लेते हैं. ऑफर और प्रेयर्स. सिट कंफर्टेबली, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, शांत और ध्यानस्थ शिव में जो स्पंदन उठता है वही शक्ति का स्वरूप है. उसी गुरु शक्ति का आवाहन कर ले. सच्चिदानंद रूपोहम्
Let us express our gratitude towards the Master. Guru Vandana Karle. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. यदि वह शिव वह शक्ति वही इन सब का स्रोत है तो प्रेरणा भी उन्हीं से मिले। उसी गुरु शक्ति से प्रार्थना कर लो। अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द हरेक वाणी सारी जो क्रियाएं जो घटित हो रही है वो भी और जो मन के अंदर विचार आ रहे हो अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार और यदि अब भी वह हम का थोड़ा बहुत भाव बाकी है तो वह भी गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना कर ले। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर लिया है, कोई बंधन बांध ही नहीं सकता, तो आप ऑलरेडी ही मुक्त हो। यह निश्चय पूरी तरह से दृढ़ हो चुका है, फिर यह उर्वरित जीवन जिससे उत्पन्न हुआ है उसी की प्रेरणा से आगे बढ़े ऐसी प्रार्थना करें। और यह शक्ति सर्वव्यापी अनंत अजर अमर है, तो अंदर भी है बाहर भी है, उसी का सानिध्य महसूस करें। और पूरी कृतज्ञता के साथ तृप्ति के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आइज, धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए अपने सत्र को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो विद्याधर है जिन्होंने करीब करीब चार कल्प तक अपने आप की दीर्घायु आयुष्य को जीते के बाद उनके अंदर वो विवेक की जागृति हो जाती है और फिर उनके मन में ये प्रश्न आते हैं कितने दिनों से तो मैं जीत रहा हूँ, सारे बहुत सारी सिद्धियां बहुत सारे स्किल्स अपने आप को बहुत दीर्घ काल तक जिंदा रखने के मैंने अपने प्राप्त कर लिए है, लेकिन यह सब कुछ करते हुए मुझे वो शांति विश्रांति उसका अनुभव यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो वो शांति विश्रांति का अनुभव मिलने के लिए उसका उपाय ढूंढने के लिए वो काक भूषण के पास पहुंच जाते हैं और काक भूषण के साथ उनका जो संवाद होता है इसी संवाद को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और वही संवाद जब वशिष्ठ मुनि जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वही संवाद के बारे में वह वहां पर उल्लेख करते हैं और उसी को प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि उस संवाद के बारे में बता रहे कि देखो दीर्घायुषी होने का
मतलब आप आत्मज्ञानी बन चुके हो या आपको पूरी तरह से शांति विश्रांति और श्रम दम जो सारी जो तितिक्षा उजार सारी शक्त संपत्ति है आपको मिल चुकी है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो यही प्रश्न वशिष्ठ मुनि वहां पे काक भूषण से जब मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या आपके देखने में ऐसा कोई आया है कि जो दीर्घायुषी है लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं उनको हुई है और अज्ञानी है। तब जाके फिर वो उनका क्वेश्चन में रहते हैं, वो वशिष्ठ मुनि विद्याधर की कहानी सुनाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से वो बिल्कुल तिलमिला जाते हैं, किस तरह से बिल्कुल रोने जैसी सूरत लेके वहां पे अपने आप को बताते हैं कि किस तरह से उनका पूरा जो जीवन है वह इन इंद्रियों के वश में है और किस तरह से दुखों का सामना उनको इसी की वजह से करना पड़ता है और इससे बाहर निकले का कुछ तो उपाय यहाँ पे बताए। तो काकभूषण उनको अलग अलग प्रकार के उपाय बता के आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह सारे उपायों से ही तुम्हें अपने आप को तुम मुक्त कर पाओगे, अपने आप को जो निर्मित जो आनंद होता है उसी स्वरूप में जो नित्य होते हैं निर्विषय जो होते हैं ऐसे स्वरूप में उसी शिव अवस्था में ही तुम अपने आप को रममान कर पाओगे, इस तरह से तुम करो। तो फिर उसके आगे फिर जो नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू होता है 92 सेकंड नंबर का चैप्टर, ये उसी का एक्सटेंशन है विद्याधर भूषण का था नंबर 2। यहाँ पे संवाद वही संवाद आगे बढ़ता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो बोलते यह जो जिज्ञासु जो वशिष्ठ मुनि राम को कहते हैं, हे रामा यह जो जिज्ञासु जो विद्याधर रहता है उसको उपदेश करते करते यह जो ब्रह्म भाव की जो साधना है जो उस शिव अवस्था में कैसे रह सकते हैं उसकी साधना किस तरह से करनी होती है इसके बारे में नेक्स्ट अभी भूषण उस विद्याधर को बताते हैं और उसको जो उच्च अवस्था जो उसको प्राप्त करने के लिए क्या निकष होता है, किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से अपना मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण करना चाहिए, वो सारी चीजें जो सारे मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में जो सारी चीजें बताए उसको अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, वो ब्रह्म साधना क्या होते हैं किस तरह से होती है वह वो उन्हें बताते, वो मैं तुम्हें बताता तुम इसको गौर से सुनो। तो ये विद्याधरा यह जो इंद्रियों का जो पूरी तरह से जाल यहाँ पे होता है इस जाल को यदि तुम देखो तो यह जो शरीर का जो होने वाला जो मन पे होता है और जो ब्रह्म के स्थान पे पूरी तरह से जाके जो स्थिर होना चाहिए इस तरह से, लेकिन इस तरह से यदि हो जाए ऐसी अगर परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनके ऊपर किसी ने शस्त्र का प्रहार भी कर दिया तो भी उन्हें उ, उ, उनको उस सिचुएशन को इस तरह से लेते, या किसी सुंदर तरुणी का उनको स्पर्श भी हो गया तो भी उनको उनकी जो स्थिरता रहती है उनकी जो है वो नहीं इसमें यहाँ पे स्थिर होते हैं अटल होते हैं, उनके चित्त उस दोनों चीज को एक समान यहाँ पे देखते हैं। तो कहते जब अपने सिकंदर थे वह पूरी जगत जेता बनने के लिए चलते चलते सबको जीते जीते यहाँ पे इंडिया में भारत में पहुंच गए और फिर उन्होंने इस तरह से आदेश दिया कि जाओ ऐसे लोगों को इनको जो ये नहीं कर रहे उनको यहाँ पे पकड़ के मेरे पास लाओ, उनको पास कुछ जो भी है वो सबको उठा के लाओ। तो ऐसा कहते हैं कि जब वह उनके सैनिक किसी अरण्य में जाते हुए वहां पे कुछ अपने ऋषि मुनि जो साधक जो रहते हैं मुनि रहते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं उनकी तपस्या स्वामी रहती चलते रहती है, वहां पे जाते हैं कि हाँ ऐसा आदेश निकला है तुम ऐसा ऐसा करो ये सारा तुम दे दो हमको या तुम ऐसे चलो अभी के अभी हमारे साथ चलो। तो वो तो बोलते भाई हम लोग ऐसे तो कहीं जाते नहीं, अपना जो ऊपर से जब आदेश आता है तो उस आदेश के साथ हम लोग बने रहते हैं, रोज उठ के प्रार्थना करते कि आपका आदेश होगा उसके ऊपर चलेंगे, तो हमें तो ऊपर से का ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ये सिकंदर साहब कहाँ से बीच में आ गए आदेश देने वाले, तो हम लोग तो नहीं आएंगे आपको जो करना है करो। तो उनके मन में कोई भय ही नहीं वहां पे दिखता वो सैनिक जो रहते, तो बोलते बिल्कुल इस तरह से वो बोलते तलवार से तलवार निकाल के उनका बोलते तुम्हारा अभी नहीं चलोगे तो तुम्हारा हम लोग विल चॉप ऑफ योर हेड ना, आपका हम लोग सिर काट देंगे। तो वो स्वामी जो रहते ब्रह्मचारी जो साधक रहते बोलते हाँ हाँ कोई बात नहीं तुम काटो तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे कि सर कैसे कटता है। तो इतना ऊर्जा इतना पावर इतना शांत प्रशांत उनका जो स्थिरता थी उस स्थिरता को देख के वह जो सैनिक थे वो अचंभित रह गए, भय इनके मन में उत्पन्न होना चाहिए था उनके मन में वह आश्चर्य उत्पन्न हो गया और उस कहते कि वो दे कुड नॉट चॉक दे दे कुड नॉट इवन टच देम, इतना पावर इतना जो स्थिरता जो होता है इतनी स्थिरता के आप भागीदार बन जाते हो
तो बोलते ऐसी स्थिति जब आप ब्रह्म में लीन होते हो, शिव अवस्था में पहुंच जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो मेरुत पर्वत के भांति आप स्थिर हो जाते हो, तो आपको हिला नहीं पाती, आपको वो कुछ टच भी नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, एक चित्त एक समान स्थिति होती है, उस स्थिति में यदि आप पहुंच गए तो यही स्थिति वह अपने जीवन में प्राप्त करने लायक है। और तो कुछ प्राप्त करने लायक इस जीवन में ऐसे भी है नहीं, इस स्थिति को प्राप्त कर लो। तो वो जिस तरह से बोलते हैं कोई आकाश है, तो आकाश की किसी चीज का स्पर्श होता है क्या? आकाश में आप शस्त्र चलाओ, ऐसे ऐसे कुछ करो, या आकाश कुछ आप किसी सुंदर तरुणी या सुंदर पुरुष को यहाँ पे रख भी दो, आकाश को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बोलते उसी तरह से उसको वह किसी को अलग दृष्टि से देखता नहीं है, उनके मन में कोई लालसा उत्पन्न होती नहीं, कुछ वासना नहीं होती है। इसी तरह से तो हमने वो आकाश की स्टोरी भी देखी थी कि किस तरह से आकाश जो रहते हैं वो अपनी सारी क्रियाएं करते रहते, कर्म ही नहीं करते, तो मृत्यु भी उनको छू ही नहीं सकता। तो इस तरह की स्थिति उनकी हो जाती है। तो जिस तरह से कोई उनको सारे चीजों का किसी प्रकार का वो भान नहीं रहता कि कोई चीज यहाँ पे आके उनको टच करने वाली है, कुछ हो जाता है तो उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ऐसे पुरुष ज्ञानवान जो साक्षात्कारवान जो पुरुष होते वही उनको सच्चा हम लोग सच्चू में वो परम पद को स्थिरित हो गए, उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया ऐसा हम कहते हैं। और ऐसी स्थिति में शस्त्र के जो तीक्ष्ण स्पर्श है या स्त्रियों का जो नाजुक स्पर्श है उसको बाह्य स्वरूप में या अंदर मन के ऊपर किसी भी प्रकार के होने वाले जो विकार रहते हैं उसको वो मिथ्यात्व बुद्धि से ही देखते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसी घटना हुई, ऐसी परिस्थिति आई, तो वो सोचते कि ये तो रियल नहीं है, इट्स जस्ट मिथ्या, जस्ट इल्यूजन, इसी बुद्धि से वह देखते हैं। और ऐसे ही करके वह बिल्कुल एक सोए हुए इंसान के भांति सुषुप्ति अवस्था जिसकी होती है, उस सुषुप्ति अवस्था में जिस तरह से कोई किसी को पूछे तुम्हारा नाम क्या तो वो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, इसी स्थिति में वह पूरी तरह से अपना जो प्राप्त व्यवहार है उसको करते रहते हैं। और ऐसे कोई व्यक्ति परिस्थिति सिचुएशन ऑब्जेक्ट कुछ भी ऐसी वहां पे घटना घट जाती है तो उससे पूरी तरह से निर्लिप्त वह अपने आप को पाते हैं और उसी स्थिति में अपने आप को वह बरकरार वहां पे रखते हैं। तो बोलते हे विद्याधरा, जिस तरह से पानी में जो कमल खिलता है और वो जो पानी जिस तरह से उसके पत्तों को चिपकता नहीं है, तो कुछ गिरता भी है तो ऐसे ही वहां से निकल जाता है, वही स्थिति यदि इनके ऐसे ज्ञानियों के ऊपर ऐसे ब्रह्म स्थित जो होते हैं उनके ऊपर ऐसी परिस्थितियां आ भी जाती है तो वह उसका मानसिक दुख या शारीरिक जो व्याधि होती है उसके प्रति उनको कोई ऐसा अलग से भाव नहीं आता, उन सारी चीजों को अच्छा कुछ हो रहा है या अच्छा बुरा का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कुछ हर्ष वाली स्थिति है या कुछ अलग से स्थिति है, दोनों स्थितियों में अपने आप को यह पूरी तरह से लीन पाते, पूरी तरह से एक समान यहाँ पे पाते। मतलब जिस तरह से किसी कोई किसी के अंदर वो विष होता है तो वो विष की रूप से यदि वहां पे कुछ विष युक्त कीटक वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं तो विष का जो तत्व रहता है वो तत्व वहां पे बना रहता है, वहां पे वो कीटक रहे ना रहे, उसी तरह से यह जो ब्रह्मत्व है, यह जो शिवत्व है, यह जो बना रहता है वह कंप्लीटली बाकी की तुम्हारा शरीर रहे ना रहे उसके अंदर का यह चैतन्य सदा सर्वदा हमेशा यह बना रहता है और उसी का उसी में लीन रहना, उसी ब्रह्म का त्याग ना करते हुए जीवन में प्राप्त किए हुए जो सारी चीजें है वो जीवत्व जो प्राप्त होता है वह जो होता है वह स्वरूप में तत्व ध्यान में वो बाधा उत्पन्न वहां पे नहीं कर सकता, इस तरह से यहाँ पे काकभूषण जो है वो विद्याधर जी को यहाँ पे समझाते हैं। बोलते हरे ये जो अमर्त्य जो आत्मा है, ये जो जैसा जीव होता है वो वैसे के वैसे ही वो जीव भाव को यहाँ पे अज्यूम कर लेता है, वही चित्त जो होता है अपने स्वरूप को वो छोड़ता नहीं है, जड़ रूप में भी आते समय दृश्य जगत में भी वह आते समय जो रूप धारण कर लेता है वह जीव ही है जो जगत में यह ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यह इससे विलक्षण होता है और क्या ऐसे बात सकता है, ऐसे इल्यूजन क्या हो सकता है। तो बोलते हैं जो विष कीटक रहता है उसका जन्म मरण होता है लेकिन जो विष भाव होता है उसको जन्म मरण नहीं होता है, है ना। जो अपने जिन्होंने अपना जो स्वातंत्र का ये चल रहा था उस वक्त जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया तो उनका क्या था,
जो अपने भगत सिंह थे वो बोले ठीक है ना, हमको पास ही देना है, दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो विचार है इन विचारों को क्या ना, इसलिए दे नेवर यूज टू टच गांधी ना, कि गांधी के जो विचार है तो दे न्यू कि वो एक इंसान को मारने से कुछ नहीं होने वाला, वो जो विचार है विचारों को मूल रूप से नष्ट करना है तो बात बनेगी, अदरवाइज तो शरीर को नष्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो यही यहाँ पे कहते हैं कि जो विष भाव है उस विष भाव को मार डालना है, ना डाल के जो विष युक्त जो है उसको करना। तो इस तरह से ये जो ब्रह्म भाव की जो दृष्टि रहती है इसमें जब जीव जो रहता है तो जन्म व्याधि जरा इस तरह से भाव कोई विकार वहां पे उत्पन्न ही नहीं होते, केवल जो देह रहता है ये देह ऐसा है और ये इंद्रियों की पदार्थ से जो उसके अंदर की जो आसक्ति रहती है उससे वह जो फंसा रहता है, ये अपराध भी वह मनुष्य फिर नहीं करता, उससे वह फंसने में नेता। और फिर कैसे करते हैं तो बोलते ये करते करते जो ब्रह्म साधना होती है वह ब्रह्म साधना कैसे करनी पड़ेगी, तो बोलते वही बात है गुरु के वचनों के ऊपर चलो, गुरु ने जो अपने को बताया उसको तुम प्रैक्टिस करते रहो और फिर जो बाकी का जो ज्ञान अर्जित करने का जो जिज्ञासा वृत्ति है उसको छोड़ो नहीं, उसको कंटिन्यूअसली फिर श्रवण मननादिकार के जो प्रयत्न रहते हैं उसको करके जो आत्म साक्षात्कार होता है उसको संपादन करके इस भव सागर की यदि गैया जो मैया होती है उसका छोटा सा पैर होता है तो छोटे से पैर का यदि कोई इंप्रेशन वहां पे बन जाएगा तो उसको पार करना कितना आसान होता है, ऐसे ही इस संसार को पार करना इतना आसान आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आप बैठ के बैठ जाओगे, अकर्मी बन जाओगे, अपना पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं करोगे तो फिर अपना प्रयत्न नहीं करोगे तो फिर कोई आएगा कोई दैव होगा तो होगा, गुरु कृपा करेंगे तो होगा, गुरु का बुलावा आएगा तो जाएंगे। अरे भाई गुरु का कब बुलावा नहीं, गुरु ने कब नहीं बुलाया आपको, गुरु की कृपा कब नहीं बरसती है, गुरु की कृपा बस बरस रही है, आप सही समय पे अपना सही विंडो खोलो तो फिर वो जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो प्रकाश आप तक पहुंच ही जाएगा। यहाँ पे तो साक्षात सूर्य चमक ही रहा है तो बस अपना विंडो सही समय पे खोलो तो फिर वो प्रकाश आपके अंदर है इसका आपको अवेयरनेस आ ही जाएगा। तो बोलते ये दैव से होगा ऐसा होगा वो वैसे नहीं, क्योंकि कोई दैव से अपने आप खुल जाएगी ये बात नहीं, उसके लिए आपको अपना स्व प्रयत्न जो है उसकी तरफ दुर्लक्ष आपको नहीं करना, उसकी तरफ ना इग्नोर नहीं करना है। तो वह करते 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 जो सारा जो ये चीज है जो सृष्टि में जो सारे पदार्थ है अपना जीव भाव है अपना जीव है इन सारे में सारभूत यदि कोई सुख स्वरूप कोई आंतरिक जो अवस्था है तो उस भाव से सर्वश्रेष्ठ मर्मभूत ऐसी कोई अंत शीतलता है तो उसका अवहेलना करके उसकी उपेक्षा करके कैसे इज इट अ गुड आइडिया टू डू लाइक दैट, अपने आप को भूल के बाकी सारी चीजों में अपने आप को उलझाए रखना इज इट अ गुड आइडिया, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न काकभूषण जो उनको कहते हैं। तो यह ब्रह्म भाव की जो अंतिम श्रेणी है ना, बोलते तुम वहां तक अपने आप को लेके जाओ विचारों से अपने सेल्फ इंक्वायरी इज द फर्स्ट मोक्ष का दूसरा द्वारपाल है विचार, विचार माने अपने सेल्फ इंक्वायरी हु एम आई व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, यह सारे जो विचार है इस विचारों के तरह ही तुम इसका अपना सर्च करो इसको ढूंढो और जो स्थिर बुद्धि होती है उसी से जग का एक जो अस्तित्व का जो गाभा है जो केंद्र है तो वही सत्य ब्रह्म है उसी को तुम वहां पे देखने लगोगे और फिर अपने आप तुम उस शुद्ध आत्मा में अपनी मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जो रूप उत्पन्न होते हैं जो कल्पनाओं का जो वलय होता है वह अपने आप ही वहां पे उत्पन्न ही नहीं होगा, अपने आप तुम उसको यहाँ पे स्थिर कर पाओगे। तो यह विद्याधरा इस तरह से जो तुम घटपटादि जो बाकी की सारी जो चीजें जो है पदार्थ रहते हैं उसको तटस्थ भाव से तुम देखते हो खुद से उसको अलग तुम देखते हो तो फिर वह यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह सारी चीजें जो दिख रही वो मैं नहीं हूँ, इस तरह से होता है। इस तरह से इस तो शरीर की भावना से तुम इसको देखो ही मत, इसी तरह से देखो कि यह मन बुद्धि संवेदनाएं तरंग सारे जो होते तटस्थ रूप से साक्षी रूप होके तुम इसके देखते रहो तब जाके फिर वह बाहर का जो जगत है जो इस तरह से प्रत्यय सारा आता है साक्षी रूप से तुम इसको देखने लगोगे तो अपने आप बाकी की सारी जो होती है वो सारी चीजें स्वाभाविक रूप से तुम रहो उस अपने आप ही जो सारी जो संपत्ति विपत्ति होती है उसको उससे उत्पन्न होने वाले जो सारे सुख दुख होते इसका कारण जो होता है वो विक्षेप वह सारे गुण दोष होते वो उदित ही नहीं होंगे
तो इस तरह से इसी अवस्था में कर्तृत्व और मैंने कुछ ऐसा किया, मैंने कुछ वैसा किया, ये सारा सब कुछ अपने आप ही वहां पे नष्ट हो जाएगा और उसके सारे परिणाम भी वहां पे, फल भोग भी वहां पे रहेंगे ही नहीं, तो रहेंगे ही नहीं। तो यह अपने आप इस तरह से तुम अपने आप को शिव अवस्था में, ब्रह्म अवस्था में अपने आप आपको पाओगे, उस आत्म का आत्म में ही आप रममान हो जाएगी। कल वी मेट गुरुदेव, गुरुदेव इज देयर हियर इन पुणे राइट नाउ, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो ही विल बी देयर, एंड संकल्प गणेश उमा वॉज परफॉर्म, एंड देन ही वॉज सेइंग नो दैट गणेशा, दैट गणेशा इज द सेम थिंग, दैट गणेशा इज द ब्रह्म, दैट गणेशा इज द शिव, दैट गणेशा इज द विष्णु, दैट गणेशा इज एवरीथिंग। एंड फिर गुरुदेव कहते हैं दैट गणेशा इज वॉट यू आर, दैट गणेशा इज वॉट यूर आत्मा इज, दैट इट्स नॉट देयर समवेयर आउटसाइड, दिस इज वॉट यू आर। सो लाइक दैट गुरुदेव से, यहाँ पे भी हमको वही अनुभव आप हो रहा कि कुछ भी आप देख रहे हैं उसने उस ब्रह्म को ही देखे, उस शिव को ही देखे, उस गणेश को ही देखे, उस आत्म भाव को ही सब जगह पे देखे। तो यह ब्रह्म साधना यही है, आत्म साधना यही है, यही साधना को प्राप्त करते करते हम तृप्त बिल्कुल इस तरह से खिल सकते हैं, इस तरह से। यह सारा अनुभव है, यह अनुभव को हम लोग चलते चलते अपने जीवन में प्राप्त करते कर सकते हैं। और यही चीज काकभूषण ने विद्याधर जी को भी बता रहे। तो बोलते यह अहम भावना जो है, यह अहम भावना एक सिंपल भ्रांति है, इसको तुम इतनी तरह से इसका हवा बना के रखते हो। तो बोलते यह विद्याधरा, यह जो महाआकाश होता है उसमें कोई घट होता है। अभी कोई यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे मैंने तो ऐसे पॉट बना लिया, कुम्हार पॉट बनाता है, और फिर बोलते हैं पॉट पॉट बना दिया तो देखो बाहर का आकाश अलग है और इसके पॉट के अंदर का, इसके घट के अंदर का आकाश अलग है। तो यह तो भ्रांति ही हुई ना, क्या दोनों के अंदर का आकाश अलग अलग है क्या? दोनों का आकाश अलग अलग नहीं है। इस तरह से जो अलग अलग कल्पनाएं जो ये कर लेता है, यह सिर्फ भ्रांति मात्र एक असत है। और ऐसे ही अज्ञानी जो होते हैं वो ऐसे आत्म भाव को भूलकर अहम भाव कि मैं कुछ तो सेपरेट हूँ उस ब्रह्म से, मैं अलग हूँ, इस स्थिति को जो मान लेते हैं, अंतक करके जो भावना यहाँ पे बना लेते हैं, यह सब मिथ्या है। एक आकाश दूसरा है और दूसरा जो घट का आकाश है जो निर्माण का यह दूसरा है, यह सिर्फ एक से भ्रामक कल्पना है। और वही कल्पना करने वाला जो अहम होता है, वह जो होता है वह आत्म तत्व तीसरा है। ऐसे जो लोग समझते हैं यह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक विद्या है, यह पूरी तरह से एक इग्नोरेंस है, एक भ्रांति है। इसीलिए इस अविद्या को जो शब्दाधिक से होती है, वो जो स्थिति होती है वो उसके व्यवहार के परे होती है। ऐसी जो वस्तु स्थिति होती है, ऐसा जो चिद रूप, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होता है उसका अपेक्षा करो तो वो विरल तरल आकाश उससे भी, या आकाश भी उसके सामने स्थूल है। माने देखो आकाश इटसेल्फ इज सूक्ष्म, आकाश का नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे भी आकाश होता है। कुछ है नहीं वहां पे तो बोलते आकाश है, दैट इथर एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो बोलते यह स्थूल आकाश जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बिल्कुल जिसका अस्तित्व सारी जगह पे फैला हुआ है, कुछ नहीं है तो बोलते आकाश है, उससे भी सूक्ष्म उसके सामने यह आकाश भी स्थूल है। ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चैतन्य है, जो एक जस्ट एक एहसास है, जो अनुभूति है, उसके भी परे अनुभूति भी तुमको यदि शारीरिक लेवल पे कुछ अनुभूति भी होती है तो वो अनुभव से भी परे, क्योंकि अनुभव लेने वाले इंद्रिय की बिल्कुल लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसमें क्या अनुभव आएगा, उसमें क्या चैतन्य का। लेकिन मुझे उस वही स्पूर्ण होता है तो अंदर से ऐसे जस्ट लगता है कि कुछ तो चैतन्य है, और फिर शब्दों में उसको बयान करते तो शब्दाधिक शब्दों के परे जो स्थिति होती है, शब्दों में बयान करने के लिए अपने आप को असमर्थ हम लोग पाते हैं। इसीलिए उसको एड्रेस करने के लिए एक ही चीज होती है, तो बोलते हैं नेति 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 नेति। तो गुरुदेव बोलते हैं ना, अपने आप से प्रश्न पूछो कि आप कौन हो, तो बोलते हैं कोई भी कुछ भी उत्तर आए तो वो नेति बोल दो, वो नहीं और कुछ और कुछ और कुछ। और बोलते कोई आपको उत्तर बताने का प्रयत्न करे तो बोलते भाग जाओ वहां से, डोंट लिसन टू देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग, दे डोंट, वो पता है तो मौन बैठ जाएगा इंसान, बोलेगा नहीं, और जो बता रहे हैं आपको वो जानते नहीं, इसलिए वो बताने का प्रयत्न करेंगे, हाथ जोड़ के निकल लो वहां से। मतलब ऐसी जो स्थिति है सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, जो आकाश भी जिसके सामने स्थूल होता है इस सूक्ष्म का ही तुम, तो बोलते अणु। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं अपन लोग की जो अणु जो होता है वो अणु में भी एक महामेरु समाया होता है। एक ऐसे
तो इसको थोड़ा हम लोग साइंस, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से यदि देखते हैं, तो जो पहले, जो सबसे पहले जो दिखता था, वो दिखता था अपना एक बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक जो सूरज रहता है, वो सूरज की किरणें वहां पे आती है, तो उसके अंदर यदि देखो तो कवर सा जो गिरता है, तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसे छोटे 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 धूलिकण वहां पे दिखाई देते हैं ना, तो बोलते इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े, कई गुना ज्यादा मल्टीपल टाइम अलग 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 यहाँ पे अणु रेणु के भांति, या फिर यूनिवर्सेस से, पैरेलल यूनिवर्सेस से अलग अलग ब्रह्मांड यहाँ पे होते हैं, इस तरह से होता है। तो एक अणु को भी तुम उठा के देख लो, तो वह तब तक तो हमको पता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एक स्ट्रक्चर ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, लेकिन अभी तो साइंस उसके भी आगे परे चला गया। तो एक एटम जो होता है, वो एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं, और उसकी साइज, रिलेटिवली उसकी साइज देखो, और जो न्यूक्लियस होता है उसके डिस्टेंस देखो, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की साइज देखो, तो बिल्कुल ये जो अपने यहाँ पे जो विश्व में जो जो तारे, अलग अलग प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड जो भी यहाँ पे घूमते रहते हैं, उसकी साइज और जो डिस्टेंस देखो, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे एक अणु के अंदर भी उतना ही होता है ना। कितनी बड़ी बात है कि पूरा जो विश्व जो होता है, पूरे होता है, वो एक छोटे से अणु में भी यहाँ पे समाया होता है, और ऐसे छिद्र जो होता है, ऐसी इसकी कल्पना भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, या इससे भी परे है, इससे भी सूक्ष्म है। बोले न्यूक्लियस ही तो इतनी छोटी सी चीज होती है, एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज में आकाश तत्व, बिल्कुल खाली स्पेस ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियस कितना रहता है, आकाश तत्व, और उससे भी बिल्कुल छोटा सा वो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर भी घुस के इन्होंने देख लिया, तो बोलते उसके अंदर बहुत शक्ति होती है ना, तो वो शांत रहता है न्यूक्लियस, तो शिव अवस्था में जाके उसको छेड़ो, उसको ब्रेक करो, न्यूक्लियर फ्यूजन करो, तो अपशु शक्ति, अमानुष शक्ति का वहां पे उदय होता है। तो यही तो किया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उसी से तो ऊर्जा वहां पे करते हैं, वही जो एटम बॉम्ब जिसको बोलते हैं, वही तो न्यूक्लियर फ्यूजन से ऐसे एटम बॉम्ब को यहाँ पे क्रिएट कर ले। तो इट्स वेरी विध्वंस ना, मतलब ऐसे कुछ हो गया, वार वगैरह हो जाता है, और किसी ने ऐसे प्रयोग कर ले, तो इट विल नो मैटर ऑफ टाइम दिस सृष्टि यहाँ पे उत्पत्ति है या नहीं है, इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। इतना शक्तिमान, इतना विध्वंसक यह रूप भी इसका होता है, जो शिव होते हैं, शांत होते हैं, तो ठीक है, त्रिनेत्र उनका खुल जाता है, तो विध्वंसक रूप, जो प्रलय, प्रलयकारी रूप शिव धारण कर लेते, इतने शक्ति का स्रोत वहां पे होता है, तो वह शक्ति का स्रोत बोलते हैं आपके अंदर ही है, वह शिव जो न्यूक्लियस जो है, वो चैतन्य जो है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वो आपके अंदर ही बसा है। कहाँ ढूंढ रहे हो शक्ति को, कहाँ ढूंढ रहे प्रेम को, कहाँ ढूंढ रहे हो आनंद को, कहाँ ढूंढ रहे हो शांत को, वो अंदर ही बैठा है, उसी के साथ हो लो, तो यह जो बाकी की सारी जो प्रपंच जो है, आकाशवादी जो प्रपंच होता है, और उससे जो सूक्ष्म सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म जो होता है, उसका जो जड़ आभास होता है, जो जड़ मूल होता है, वो जानी जो होती है, अलगपन का जो भाव होता है, वह भी आत्म की जो चित्ती होती है, उससे वह स्थूली है, बिकॉज आत्म की जो चित्त की जो स्थिति है, ये जीव भाव से भी बिल्कुल स्थूल, चैतन्य जो है वो जीव भाव से भी स्थूल, तो इसलिए कहते हैं ना कि अहंकार जो अपना अहम होता है, उसके परे है सिक्स्थ लेयर, उसके परे सेवंथ लेयर, उससे भी वह सूक्ष्म है, उसके सामने यह जीव भाव, जो जीव भाव का अस्तित्व दिखता नहीं है, माने कोई दिखाओ तो जीव, मन को तो दिख नहीं सकते, तो उसके परे तुम्हारा बुद्धि, उसके परे तुम्हारा ईगो अहम, उसके परे, तो बोलते जो जीव भाव जो है होता है, तो उससे पहले मन को तो तुम दिखा नहीं पाते, उसका अस्तित्व तो दिखता नहीं, उसके बाद में जो अजीव भाव है उसका भी अस्तित्व दिखता नहीं, तो उससे भी सूक्ष्म जो, उससे भी जो परे है, वह जो स्थिति है आत्म स्थिति, इस तरह से यदि तुम देखो, तो फिर वो परम सूक्ष्म जो चीज है, उसके बारे में तुम जान जाओगे, बोलते फिर यह अहम और यह जो इदम ना, कल जो हमने देखा ना, इदम नमम, इदम नमम, बार बार बोलते थे ये ऐसा है, और बोलते इदम नमम ऐसा है, और इदम नमम ना, इदम मीन्स अनहम जो होते ना, कि अहम मैं हूँ, अनहम मैं नहीं हूँ, वह जो स्थिति है वही, फिर वो मैं और मुझसे ऐसे अलग, यह जग इत्यादि अनादि जो वास्ता का जो स्पूर्ण होता है, योग से उत्तरोत्तर स्थूल होते जाते जाते वह सर्व इस चीज को जानने लगता है, तो अरे यही तो यह कल्पना जो होती है, अनादि स्पूर्ण होता है,
यही सृष्टि में सब जगह पे या फिर रूढ़ हो जाते हैं, इसी की वजह से यह अविद्या जलती है, यह अविद्या अपना माया का जाल यहाँ पे फैला देती है, तुम इसी में फंसे रहते हो, तो इससे ही तुम्हें बाहर निकलना है, यही सच्चा प्रयत्न है, इसी प्रयत्न को करना अपने जीवन में करते ना। तो पुरुषार्थ का सबसे चौथा हिस्सा कौन सा, मोक्ष की प्राप्त, मुक्त हो जाना, इस चीज को जो जैसा है वैसे समझ लेना, यही तो बात है, इसी में तुम रहे। तो बोलते वही है कि जो जल द्रव्य होता है उसका जो प्रसरण वात होता है और उसके ऊपर उठने वाले जो तरंगे रहती है, वलय रहती है, जो भौरे वात उत्पन्न होते हैं, लेकिन बोलते हैं जो जल द्रव्य का जो प्रसरण होना, ये तरंग का यह और उसका प्रसरण ना होना, उस भवर का ना हो, उस वेव का ना होना, बोलते यही उपशम है। कि ऐसा कोई अलग से उपशम करने की बात नहीं है, यदि उसमें वो स्फुरन उठ रहे हैं तो उपशम नहीं है, यदि उसमें वो स्फुरन उठना शुरू है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये संकल्प लेना है, मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, ये सारी चीजें चलती रहेगी वेव की भांति, तो फिर उपशम कहाँ से आएगा। और ये सारी चीजें ना होना तो उपशम करने के लिए अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, उपशम तो वहां पे अपने आप ही वही उपशम होता है। तो उसी से वह चित्त का जो प्रसरण ना होना, तो उसकी जो जानी वृत्ति, उसकी चेतना का निष्पन्द होना, यही जगह का उपशम होता है। और वही स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो वही प्रलय होता है, वही लय हो जाता है। तो सृष्टि तो ऐसे बिल्कुल एक समुन्द्र में उठते हुए वेव्स के भांति, लहरों के भांति उत्पन्न होती है, और जो लहर सबसाइड हो जाती है तो लय भी हो जाती है। इस तरह से देखते हैं ना लोग, अपने जो काल की गणना भी देखते हैं, अपने इसमें एक्सप्रेशन भी देखते हैं, तो जो बोलते ब्रह्म का जो एक दिन होता है तो उसमें दो कल्प आते हैं, दिन और रात मिला के, तो एक दिन में 14 मनवंतर वहां पे होते हैं, और 14 मनवंतर में एक मनवंतर होता है, उसका ही कितना एज होता है, कितने सारे वहां पे युग वहां पे बीत जाते हैं, किस तरह से माने 310 ट्रिलियन ईयर्स। यहाँ पे जो ब्रह्मा का लाइफ बताया, माने आपके सोचने के परे वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति हो जाती है, और वहां पे ऐसी सृष्टियां, तो बोलते ऐसे वहां पे 14 मनु आते हैं, और ऐसे यहाँ पे ऐसे कई सारे युग बीत जाते हैं, 1000 युग बीत जाते हैं, तब जाके वहां पे कुछ तो समय ब्रह्म लोक में होता है। बोले तो काल का जो समय वो भी सापेक्ष यहाँ पे बताया गया, इसी का प्रयोग तो यहाँ पे हमने देखा। और अच्छा, मॉडर्न साइंस भी इसको मानता है, मॉडर्न साइंस भी ग्रेविटी से ऐसा हो सकता है, जो अपना ब्लैक होल है उसके पास पास के जो ग्रह रहते हैं वहां पे की जो ग्रेविटी अलग होती है, उसकी वजह से काल की गणना वहां पे जो होती है वो अलग होती है। यहाँ पे पृथ्वी पे 7 साल बीत जाते हैं, तो वो जो हमने इंटरस्टेलर मूवी देखा था उसका रिव्यू किया था, तो वहां पे एक ग्रह ऐसा होता है कि वहां पे 1 घंटा बीतता है, यहाँ के पृथ्वी के ऊपर 7 साल बीत जाते हैं। तो ये तो साइंस भी इसको ग्रेविटेशनल की वजह से यह होता है इस तरह से मानता है, तो समझता है। तो बोलते यही स्थिति हो जाती है, उसी चित्त का जो प्रसरण होता है वो होता है, तो यह होता है, जो नहीं होता है स्पंदन, तो फिर लय की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। यह लय की जो अवस्था होती है, निष्पंद जो होती है, वायु का जो आकार होता है, उसी आकाश के मध्य में जो गुड़ गाभा होता है, वही तुम्हारा आत्मभाव की तरह यह आकाश बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ, उससे भी निर्मल, उससे भी सूक्ष्म है, तो उसी से बिल्कुल प्योर इस तरह की स्थिति होती है। यहाँ पे इस तरह से कोई बाकी के सारे संचलन या कोई विकार, यह विकारों से यह रहित होती है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इसी के साथ एक रूप हो जाते हैं, इसी के साथ एक रूप होके जो जिस तरह से जल में रहने वाले वो जलमय हो जाते हैं, द्रव्यत्व का होते हैं, कुटस्थ भाव स्वभाव से उसी के साथ वो एक रूप हो जाते हैं। तो स्वभावता यह मैं अलग हूँ, यह जो जीव भाव आप पे उत्पन्न नहीं होता, उसकी वजह से जो ज्ञानी होते हैं उनकी पुरुषों का जो चित्त रहता है वो भूग दिखा की जो स्फुरन होते हैं वहां पे वो उठते ही नहीं। जिस तरह से जो कोई अंधार रहता है, जिस तरह से कोई डार्कनेस है, तो वहां पे सर्प कोई चले भी तो क्या दिखता है, तो उस तरह से उसकी गति का आप एहसास ही नहीं होता, कस कुछ दिखता नहीं। इसी तरह से यह जो चैतन्य होता है यह पूरी तरह से संकल्प रहित होता है, और यह संकल्प रहित जो चित्त होता है वहां पे फिर जो बुद्धि है, फिर वहां पे किसी तरह का लज्जा आना, भय आना, या कोई स्मृति, लौकिक इच्छा, ऐसे जो भिन्न भिन्न मनोभाव अपना करते रहता है, और जो कारणीभूत होता है सारी पदार्थों का वो क्रिएट, ऐसा भासमान तरीके से क्रिएट करने का वो उसको देखता ही नहीं है, वो उसकी तरफ उसकी नजर ही नहीं जाती, और होता भी ऐसा कुछ देखता भी है तो बोलता है हाँ ये तो मिथ्या है, ये तो माया, ऐसा खोल के वो छोड़ देता है। फिर बोलते हैं कि हे विद्याधरा, इसको और एक युक्ति बता के मैं तुम्हें इसको थोड़ा और बताता हूँ कि किस तरह से एक अंदर यह प्रपंच जो है यह किस तरह से ब्रह्म से निराला नहीं है, इसी का स्वरूप है, इसी का यह एक्सपांशन है, किस तरह से वो मैं बताता हूँ। तो बोलते देखो किस तरह से
कि जो बोलते हैं कि जो प्रपंच का जो आधार हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो बोलते हैं इस जगत में क्या आधार है, तो दिशा है, काल है, और उससे उत्पन्न होने वाली इस क्रिया माने स्पंदन है, यह अपनी जगत का आधार है, इसके ऊपर सब कुछ यहाँ पे चलते हुए दिखाई देता है हमको। किसी को बोलते हैं अपना जो वर्ल्ड है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, एक्स वाई जेड यह वर्ल्ड होता है, और एक्स वाई जेड में वर्ल्ड में और एक फोर्थ जो डायमेंशन है जो अपने लिए फिजिकल नहीं है, वो होता है टाइम। देखो ना, किसी को आपको मिलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मुझे मिलना है वहां पे, तो कहाँ मिलना है, तो ऐसे ऐसी एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देख लो, पुणे के आसपास वैसे कुछ तो त्रिवेणी आश्रम है, उसका ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, वहां पे हमको मिलना है, तो बोलते मिलना है। आई मेडिटेट क्लब टीम जो अपनी जो अपने योगशिष्ट परिवार है, इसको यहाँ पे मिलना है, ऐसे ऐसे जगह पे मिलना है। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, मिलना तो है, कब मिलना है, तो कब माने टाइम डायमेंशन, जब तक मेंशन नहीं होता माने यहाँ पे काल आ गया। आपको मिलने की क्रिया यहाँ पे करनी है, दिशा जो है उससे अपने को डायमेंशन मिल गया, एक्स वाई जेड में किस लोकेशन में, एक्स वाई जेड जो अपना है उसके अंदर किस लोकेशन पे आपको मिलना है वो पता लग गया, लेकिन जब तक काल मेंशन नहीं होता है आपकी कोई क्रिया घटित होती नहीं। मेंशन करना पड़ेगा कि ये अब हुआ है, कोई भी बोलते ऐसी घटना घटी तो बोलते यहाँ पे ऐसा अर्थक्वेक आया, इतने बज के इतने टाइम में इतने रेक्टर का वहां पे अर्थक्वेक आया, बोलते टाइम टाइम जो काल है जो है, तो बोलते यह जो सारा जगत है दृश्य रूप में, यहाँ पे यह काल क्रिया और जो दिशा बोलते, लेकिन ये परस्पर पूरी तरह से सापेक्ष है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस तरह से यह प्रपंच जो है उसका आधार दिशा काल, यह निर्वय जो निष्क्रिय ब्रह्म के जगह पे असंभव है, यहाँ पे यह चीज होती है ना कालातीत होती, बोलते हैं ना, बोलते कि महाकाल बोलते कालातीत, काल के जो परे है, काल जिसके लिए बिल्कुल सापेक्ष है, तो इसीलिए बोलते जो प्रलय की स्थिति होती है, जो उत्पत्ति स्थिति है, उसके पहले कहाँ पे काल होता है, उसके पहले काल की कोई स्थिति ही नहीं, कोई गणना ही नहीं, तो ये हम लोग उसके बाद में यह काल की स्थिति यहाँ पे लगा देते, दिशा यहाँ पे रख देते थे, वहां पे कोई दिशा नहीं, कोई काल नहीं, तो इस तरह से जो काल की जो सृष्टि होती है, उसकी जो कल्पना होती है, उसकी उत्पत्ति में पूर्व जो दिशा मूर्त पदार्थ यह होता ही नहीं। तो गुरुदेव को किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि गुरुदेव अभी तो लेटेस्ट साइंस जो रिसर्च है वो तो मैटर के अंदर घुस के देख लिया, इट हैज सीन लेटेस्ट रिसर्च इन द साइंस इज अ स्ट्रिंग थियरी, सबके अंदर सब चीज के अंदर घुस के देख लिया अंदर के अंदर, तो बोलते वहां पे कोई मैटर दिखाई ही नहीं दिया, वहां पे तो सिर्फ फील्ड ऑफ एनर्जी है। अपने ऋषि मुनि तो कई सालों से जानते थे ये बात, गुरुदेव तो कई सारे इसके बारे में बात करते, तो बोलते तुम अभी डिस्कवरी कर रहे हो अभी सारी चीजें, तो गुरुदेव बोलते जस्ट योर ब्रेन इज जस्ट अ फ्रिक्वेंसी एनालाइजर, इट हैज अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, जो छोटी सी अपनी जो कैट रहती है वो जो देख पाती है वह तो तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती, जो अपना जो आउल होता है वो रात में देख पाता है, आपकी तो आंखें देख इतना तो यहाँ पे देख नहीं पाते, सब कुछ नहीं हो पाता है, तो बोलते तुम बोल रहे हो कि बाकी की सारी चीजें, तुम्हारे ब्रेन की कैपेसिटी इज जस्ट अ फ्रिक्वेंसी एनालाइजर, एंड अ फ्रिक्वेंसी हैज सच ए वेरी बिग स्पेक्ट्रम, कई सारी फ्रिक्वेंसी या कई सारी जो चीजें यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स में कहीं पे कुछ हो रही है, तो आपकी बुद्धि उसको समझने के वह परे है और आप उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से तो सारी चीजें, तो उसके पहले जो ऐसे कोई पूर्व दिशा ऐसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है, बोलते कि यहाँ पे जो अलग जो काल है वह भी संभव नहीं है, बिकॉज जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है वहां पे जो काल होता है उसके जो दिशा आदि उत्पन्न होते हैं यह सब कल्पना वहां पे संभव ही नहीं है, बोलते सृष्टि की उत्पत्ति जो अवस्था रहती है यहाँ पे जो क्रिया, यह क्रिया भी यहाँ पे हो नहीं सकती, यदि दिशा कुछ नहीं है काल कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्रिया की उत्पत्ति भी यहाँ पे नहीं होगी, तो प्रलय की अवस्था में भी यहाँ पे काल होता ही नहीं, मतलब इसी वजह से इसी कारण की वजह से यदि कोई क्रिया घटित होती है, एक क्रिया कुछ घटने के लिए वहां पे काल और दिशा का संदर्भ वहां पे या देना पड़ता है, या काल का भी दिशा का भी निर्देश देना पड़ता है, इसी से यह प्रूफ मिल जाता है, बोलते कि स्थल काल और क्रिया यह परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष है, और जो किसी भी भाव से इसका इसमें से एक भी किसी का अभाव होता है तो अपने आप तीनों का यहाँ पे अभाव होता है, और यही होता है कि क्रिया के बगैर काल की सिद्धि हो नहीं सकती, और पूर्ण कुटस्थ जो स्थिर निष्पंद निर्विकार जो है वहां पे क्रिया संभव नहीं होती, और इसीलिए दिशा काल और क्रिया यह असंभव होती है, और इसी की वजह जो उसके परे जो बचता है फिर वह ब्रह्म बचता है, और वो ब्रह्म की जो स्थिति होती है वो कोई वस्तु या परमार्थिक दृष्ट उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यही यहाँ पे प्रमाण रूप सिद्ध होता है ना, कितना डेप्थ में, मतलब साइंस से भी परे, मतलब विज्ञान के परे जो एक एस्टैब्लिशमेंट है, जो
ज्ञान है, इस तरह का ज्ञान यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और जिसको साइंटिफिकली भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए, कितनी बड़ी बात है ना। इट इज वेरी गुड, सच ए परफेक्ट थिंग। तो यहाँ पे बोलते हैं परमेश्वर जो है वो स्वतः जो होते हैं अभिन्न होता है, जो जगत काल में सर्वसाधारण रूप यहाँ पे होता है, उसी का आधारभूत जो चिदानंद स्वरूप होता है वही स्पुरण यहाँ पे अपनी तरह से ये करता है। और जो देह होता है, यह मैं देह हूँ ऐसा विशेष अभिमान या ऐसे कोई अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, यह मुझे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का अभिमान पकड़ने वाला जो अहंकारात्मक जो आत्मा भासमान होता है और जो पूरी तरह से यह गुंता गुंती है सारा इसमें फंसाते रहता है, ऐसी स्थिति ही वहां पे विभ्रम की होती है। उसको तुम छोड़ दो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा तुम निश्चित रूप में ऐसा मान लो, जान लो, समझ लो, जो भी करना है श्रद्धा रख लो, इस तरह से यहाँ पे भूषण जो है इसको बताते। तो बोलते यह जग जो दिखाई देता है ना, बिल्कुल यह जिस तरह से जो एक डेजर्ट होता है और उस डेजर्ट में जिस तरह से मृगजल दिखाई देता है, या कोई नदी होती है और उसके ऊपर से जो इस तरह से कोई तो वहां पे एक फेस आ जाता है, उसकी तरह से मृदु भी दिखता है और उस तरह से पूरा ठोस भी होता है। तो बोलते जो ज्ञान होता है, ज्ञान से एक क्षण से ही यह सारी चीजें जो होते हैं ये बिल्कुल ऐसे क्षीण क्षीण हो जाते, अपने आप ही जो सृष्टि रूप में जो मृग जाल है वह नदी का जो प्रवाह है, तरंग रहता है, वो भवरा जो रहता है उससे युक्त यह प्रवाह एक जैसे ही कंटिन्यूसली चलते रहे दिखता है। जो लाटाओं में जो पानी रहता है वो भाषण होता है उससे वह इस तरह से बिल्कुल वहां पे फॉग वहां पे क्रिएट हो गया, इस तरह की परिस्थिति यहाँ पे दिखती है। घनघोर मेघ होते है उसी के अंदर उत्पन्न है सारी चीजें, लेकिन जो ब्रह्म और मन से जो है वह जीव जो है वो तीसरा ही कुछ दृश्य प्रपंच जड़ सत्य ऐसा भासमान होता है। जिस तरह से यदि कोई लकड़ी लो और उसको अपने सौ से करवट से उसको काट दो तो उसके अंदर कैसे दिखता है ना, ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल अलग अलग कुछ तो दिखता है। तो बोलते है होता तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली है तो सब कुछ सिर्फ लकड़ी, लेकिन सिर्फ ऐसा लगता है कि यह उसी तरह से वह दिशा है, वह काल है, यह सिर्फ भासमान भावनाएं होती है, लेकिन जो पर तत्व होता है यहाँ पे यह सब इससे परे होता है। तो जो विषय रूप जड़ होता है चेतना का एकत्र अनुभव ही प्रचंच के रूप में यहाँ पे अपने को भासमान होता है, और जो प्रपंच है वह मिथ्या है, मृद और नाशीवंत फेस की बात यह है, लेकिन जो चेतकनाथ का जो अधिष्ठान होता है उस सत्य में, उस अस्तित्व में यदि देखो तो वो इस तरह से विवेकी पुरुष जो होता है स्फटिक भांति शिला के भांति प्रतिबिंबित होके वहां पे पूरी तरह से यहाँ पे मृदु या कोमल मतलब दोनों पर दिखाया गया है कि वो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, तरल से तरल, बिल्कुल एनर्जी फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में वही चैतन्य है, और बिल्कुल ऐसे मेरु पर्वत के भांति स्थिर गंभीर दोनों क्वालिटीज जो एग्जिबिट करता है वह चैतन्य का यहाँ पे स्वरूप है। इस तरह से बोलते हैं ठीक है, इसको और एक ना इस जगह का ना और एक तरीके से मैं यहाँ पे वर्णन करता हूँ तो तुम्हें और इसको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। तो बोलते यह जगह को जो है ना तुम्हें से पूरी तरह से एक चित्र के भांति से देखो, लाइक टू डायमेंशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड हम लोग देखते हैं, तो फिर वहां पे क्या दिखाई देता है, एक छोटा सा कहीं तो ब्लू स्पॉट होता है, बोलते यह समुन्दर है, वहां पे एक छोटी सी कुछ तरह से ब्लू लाइन रहती होती है, यह नदी बह रही है, तो यहाँ पे ऐसे ये लोग है, यहाँ पे ऐसे कुछ तो आकृति बना देते हैं, बोलते यहाँ पे पहाड़ है। तो बोलते ऐसी सारी चीजों को देखो तो जो वस्त्र का जो पटल है उसके बाद ही जो वहां पे जो आकृति बनाई गई है, वहां पे जो चित्र वहां पे बनाया गया है, उस चित्र के ऊपर देखो तो थोड़े कुछ कलर वलर यूज करके यहाँ पे सारे चित्र को यहाँ पे बनाया जाता है, और वहीं पे कोई किसी के हाथ पाव मस्तक उसकी आंखें ना कहीं पे मनोभाव से युक्ति से इत भर लांपी से पर्वत बना देते हैं, अलग अलग शरीरे वहां पे देश नदी दिशाएं ये सारी चीजें यहाँ पे देख देते हैं, लेकिन उसके सारभूत ऐसा वहां पे कुछ नहीं दिखता। ऐसा जो अंततः शून्य है ये चित्र के रंग में जो रंगा है उससे वैराग्य का जो मार्जन वहां पे उत्पन्न हो जाता है, तो अपने आप यह उसको धो देता है, इस चित्र जगत चित्र रूपी संसार जगत है उसको वो धो देता है, या कोई अलग जस्ट एक रंग भी यूज करते तो उससे पूरा वो चित्र को किस तरह से मिटा सकता है, ऐसे ही है जगत का जो चित्र है, जो शरीर का जो अंदर से देखा जाए तो जो अपना शरीर का जो अंदर का सूत्रात्मा है वो प्राण जो वायु रूप से, और बाहर में सर्व प्रसिद्ध जो वायु है वो स्पंदन वहां पे होता है, तो जो मूल ब्रह्म चैतन्य होता है दृष्टि से
देखो तो चेतना के पर्सपेक्टिव से तो वही एक ही, जिस तरह से अंदर प्राण और बाहर वायु के रूप में जो जीवंत है, ऐसे ही ये चैतन्य ही आपके अंदर जीवंत है और यही होता है, वही सुंदर है, वही उसका जो बाकी की सारी चीजों से देखो तो यह जो अज्ञान रूपी इसमें जो फंसे रहते हैं उनको ये वारा सहन नहीं होता है, वह पूरे फिर वो जो चत्र जो होता है संसार जो होता है, जो ज्ञानी रहते हैं वो अपने आप उनके वह फट जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो बिल्कुल वहां पे ऐसे जिस तरह से सुगंध जो होता है वो ऐसे लीन हो जाता है, ऐसे ही ये दृश्य जगत अपने आप ही संसार उनके सामने लीन हो जाता है। तुम भी यही देखो कि चित्रपट कहता रहता है, काम वासना आदि जो दोष है ऐसे असंख्य समूहों से ऐसे निर्माण कर रहता है, भाव भावनाओं का जो ऐसे लहरें जैसे सर उठते रहते हैं ऐसे उठते रहते हैं, ऐसे वलय यहाँ पे उठाते रहता है, उसी में आपको फंसाए रखता है, ऐसे सारे विकल्पों से ऐसे सारी कल्पनाओं से उन्मुख होकर बहिर्मुख जो क्रियाएं होती है उसी में बार बार उस नाना विषयों के आस्वाद से वो अहम जो है इत्यादि होती है वो चेतना रूप में वहां पे जैसे होता है, जिस तरह से कोई जो तेल की बिंदु जो है वो पानी के अंदर गिर जाती है और आत बाहर सब जगह से वो उसके बाहर पानी वहां पर हो जाता है, जो जीव भाव होता है वैसे ही प्रपंच की भावना होती है वह प्राप्त होती है, और चित्त रूप जो सर्वव्याप्त है इसी से, इसीलिए बुद्धि और अहंकार जो होता है इससे वह अलग रूप में भासमान वहां पे होता है, और इसी को अविद्या कहते हैं बोलते हैं, यही जो है इसी को माया, इसी को अविद्या यहाँ पे कहा गया है, और यह सब मिथ्यात्व फेस की बात ही है, ऐसे ही तुम समझो अविद्या धरा। तो फिर बोलते हैं इस अविद्या का नाश करने के लिए ना मैं तुम्हें चार उपाय भी बताता हूँ, तो ये चार उपाय कौन से है इस अविद्या का नाश करने के लिए, बोलते हैं हे विद्याधरा यह जो अविद्या होती है यह इसको नष्ट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो यह तुम्हें चार चीजें करनी पड़ेगी, बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार जो यम नियम आदि जो पालन है उसका तुम क्या करो, अच्छी तरह से उसको पढ़ लो, उसको अच्छी तरह से श्रवण मनन इत्यादि प्रयत्न कर से यह अविद्या तत्काल नाश हो जाती है। यह अविद्या का जो आधा भाग होता है ज्ञानी पुरुष तत्व विषय जो संवाद रहते हैं, चर्चा करते हैं, शंका निरसन करते हैं, प्रश्नोत्तर यहाँ पे इत्यादि करते हैं, उससे यह दूर हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, आप आते हैं साधना करते हैं अपनी, यम नियम आदि जो है उसके जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गुरुदेव ने उसका पालन करते हैं, उसके बाद बैठ के यहाँ पे ब्रेकआउट रूम में चले जाते हैं, अपने आप को वहां पे व्यक्त करते हैं, क्या पढ़ा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, फिर योगशिष्ट का सत्र शुरू हो जाता है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी फिर ज्ञान को सुनते हैं और फिर अपनी कृतज्ञता जताते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के सान्निध्य में रहते हैं, उसको साथ आगे चढ़ाते हैं और उसके ऊपर फिर चर्चा करते हैं, अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज, दिस इज द अविद्या को नष्ट करने का उपाय बताया गया है, तो यही तो कर रहे, तभी तो ना जब आप अपने अनुभव शेयर करते हो वह अनुभव आप जब शेयर करते हो तो लगता है ना कुछ बात बन रही है, लगता है ना कुछ तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है पे बताया जो गुरु का जो उपदेश है उन सारे गुरु के उपदेश के ऊपर पालन करते हुए हम लोग अपने जीवन को चरितार्थ को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे, तो अनुभव आना ही है, इट्स वेरी ऑब्वियस, यू विल डेफिनेटली गेट सच एन एक्सपीरियंस, यहाँ पे एग्जैक्टली यही बोल रहे, ऐसे ही अपने आप इस अविद्या को यह नष्ट करने लगता है। बोलते फिर आगे चल के यह जो संसार है उसमें जो इच्छाएं जो होती है, जो जिज्ञासा जो सृजन जो पुरुष होता है वह, यह संसार क्या है, इसका पर्यवसन किस में होगा, इसका मूल सार क्या है, सार क्या है, इससे मैं बाहर कैसे आऊंगा, इन सारी चीजों का अपना आप सारासर विचार करने लगता है। तो देखो यही होता है, हम लोग इस चीज के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ये सृष्टि को उत्पन्न कैसे, मैं कौन हूँ, सारा चीज जानने का प्रयत्न, जो गुरुदेव ने जो सारी चीजें दी वो हम लोग वहां पे जो करते हैं वैसे ही चीजें यहाँ पे बताइए, तो उसके बाद में फिर क्या होता है, जो आपको मिलता है वो जो विरक्त निरत्सर जो सृजन आत्मज्ञानी जो होता है ऐसे पुरुष को तुम ढूंढो बोलते हैं अपने जीवन में, और ऐसे शहाने जो पुरुष है जो इस तरह से इस मार्ग पे चल रहे हैं उनके प्रयत्नों से उनकी आराधना करो, तो बस यही करते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष को सदगुरु को हमने अपने जीवन में ढूंढा या उन्होंने हमें ढूंढ लिया और उसी उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, ऐसे ही सारे संघों के साथ संतों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, तो यही सारी चीजें तो कर ही रहे, ऐसे ही आराधना अपनी भी यहाँ पे चल रही है, तो बोलते ऐसे नित्य इस तरह से जो लोग रहते हैं उनकी संगति हमको रखनी चाहिए, ऐसे ही प्रकार का साधु गम
साधु समागम है वो प्राप्त होता है, तो अपने आप जो इतर जो भूमिका होती है प्रगत होती है, मनोभाव वहां पे उदित होता है, विवेक वैराग्य शम दम इत्यादि साधन चतुस्वरूप से यह संपत्ति जो है दैवी संपत्ति आपको प्राप्त होने लगती है। कितना बढ़िया, देखो नो? तो एडवांस कोर्स करते हैं तो वहां पे भी जो ज्ञान के जो पिलर है, वो जो ज्ञान के जो स्तंभ है, तो ज्ञान के स्तंभों को अपने को सिखाया जाता है। तो बोलते ऐसा करने से गुरुदेव बोलते हैं कि ऐसी जो संपत्ति है, पैसा 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 क्या करेगा पैसा, तो उसके ऊपर तो गाना भी बना दिया, ऐसा है तो पैसा है। बोले ऐसे पैसे को क्या करोगे। अच्छा यहाँ पे नहीं लेना है करना है, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द थिंग। बट बोलते जीवन में प्राप्त करने लायक संपत्ति, सच्ची संपत्ति कौन सी? तो बोलते यह षट संपत्ति है। इस षट संपत्तियों को तुम अपने जीवन में प्राप्त करने लगोगे जब साधुओं के संगत में, साधु संगति। इसीलिए तो उसको मोक्ष का द्वारपाल भी होता है। मोक्ष का चौथा द्वारपाल क्या है? साधु संगति। बिकॉज यह साधु ही आपके जीवन में, यह संगत ही आपके जीवन में इस अविद्या को नष्ट करने के लिए कारीगर होगी। फिर बोलते हैं अविद्या का जो अगला जो एक चतर था, उस जो भाग है, वह फिर शास्त्रों के श्रवण से मनादि का जो योग है उससे यह नष्ट हो जाता है। यह देह की तरफ आम बुद्धि से जो हम लोग देखते हैं उससे उत्पन्न होने वाला जो विक्षेप होता है वह दोष नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारे नष्ट होने लगते हैं। और जो बचा कुचा एक चतुर्थांश जो भाग होता है अविद्या का आवरण जो होता है, वह अंश आत्म के जो प्रत्यक्ष अनुभव जो मिलते रहते हैं, ध्यान की जो समाधि लगती रहती है, इत्यादियों से अलग अलग साक्षात्कार से जो बच्चे कुची वन चतुर्थांश जो अविद्या होती है वह भी आपकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे कहते हैं और बोलते इसके जो मन होता है उत्कट जो स्थिति होती है, मोक्ष की जो अभिलाषा यहाँ पे उत्पन्न होती है, उसी जगह पे जो वैराग्य प्राप्त होता है, जो भोग दिगो से योग सिद्धि आदि से जो साधना से उसका निवारण होता है, उसकी वजह से यह ममता रहित जो पुरुष संन्यास लेता है, ऐसी तरह से यह साधु समागम सत शास्त्र श्रवण और स्व प्रयत्न साधना, यह तीन जो उपाय है, इन तीनों उपायों को एक के बाद एक करूंगा ऐसे नहीं समझो, तीनों उपायों को एक साथ करो, एक साथ अपने जीवन में तुम उसको प्राप्त करो और इसी में अपने आप को आगे बढ़ाओ, तो उसी तरह से उपाय भी तुम्हें, उसी तरह से आउटपुट भी तुम्हें मिलेगा। मतलब यह सर्व योग से इसको अविद्या का क्षय ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ना होते हुए तुम इसको क्रम क्रम से अंतर रख के इस उपाय को प्राप्त करो तो क्रम क्रम से अविद्या का यहाँ पे नाश होगा। इस तरह से यहाँ पे जो काका भूषण ने वो उस विद्यार्थी को समझाते रहते, मैंने अविद्या है इसका अस्तित्व मान लिया, इस अविद्या को मिटाने के लिए किस तरह से उपाय है वो भी दे दिए। और हम देखो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम में करते हैं, तो उसमें आती है साधना, उसमें आती है सेवा, उसमें आता है सत्संग, उसमें आता है ज्ञान, उसमें आता है ध्यान, उसमें आता है योग, यम नियम, पतंजलि योग सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, गुरु का ज्ञान, गुरु का सानिध्य, सारी चीजें कैसे ऐसे प्लेट में साली थाली सजा के पंच पकवान के रूप में आपके सामने रख दिए है। आपको बस उतना तो प्रयत्न करो कि उठाओ और निवाला अपने मुख में डालो और तृप्त हो जाओ, इतना तो अपने को प्रयत्न करना है। तो गुरुदेव ने हमें क्या दिया है इसके प्रति कृतज्ञता अपने आप ही व्यक्त हो जाती है कि थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर सच ए नॉलेज, सच एन एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ, कैरिंग अस अलोंग इन दिस संसार के भव सागर में। ऐसे मुस्कुराते उत्सव, जीवन एक उत्सव है, इस उत्सव के भांति ही यहाँ पे अपने को आगे बढ़ा रहे। कल तो गुरुदेव से मिले तो बोलते आप सभी में से एक, आप सभी में से एक, एवरी ईच वन ऑफ यू, बोलते आप ज्ञान का प्रकाश हो, तो आप वो प्रकाश हो, आप जाओ वो दिया हो तो वो प्रकाश को जाओ फैलाओ, उस प्रकाश को बांटो, वो ज्ञान को सबके पास लेके जाओ। आपके जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं, आपके जीवन में वो मिराकल्स हो रहे कि नहीं, आपके जीवन में वो तृप्ति आनंद मिल रहा है कि नहीं, तो बोलते मिल रहा है ना, फिर जाओ। आपका कर्तव्य बनता है, आपका यह पुरुषार्थता का हिस्सा बनता है कि आप जाओ इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ, उनके जीवन में वो कभी ना मिटने वाला आनंद है, कभी ना मिटने वाली जो खुशी है, जो फवारा है ज्ञान का फवारा, वो वहां पे उस इग्नोर का अज्ञान का अंधकार निकाल के वो प्रकाश रूपी जो सत्य है वह सत्य से उनको अवगत कराओ। इस तस्वीर ने कल बोला अपना कर्तव्य है, हमें यह कर्तव्य को निभाना है, सब लोग साथ मिलके
संगत चत्व के रूप में भाती इस कर्तव्य के हम जरूर जरूर गुरु के आदेश को पालन करते हुए निभाएंगे। इसी शब्द के साथ इसी में वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर लेता हूँ। आप अपना टेक अवेज, आप अपने लर्निंग्स यहाँ पे शेयर करें, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ जरूर इसके बारे में भी बताए। और जय गुरु, अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया है, आप अपने आप ही अनम्यूट करके यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ ले, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इन सारी अविद्या को नष्ट करने का, कि गेट अ क्लैरिटी, खाली हो जाओ एंड देन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस दैट तृप्ति इन लाइफ। और टीआर जय गुरुदेव। एक्चुअल अभी जय गुरुदेव सभी को, काफी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज का सेशन आया आज का, फिर भी शुरू तो किया है मन के वास, मन में जो वासना होती है उससे परे निकलने का। उसका पहला उदाहरण दिया एक सुंदर स्त्री के स्पर्श जो अगर होता है तो मन में क्या भाव उठते हैं, उसके प्रति अपने आप को तटस्थ रखने के ये भाव आया है। तो यह अपने आप को रियलाइज करने का, अपने आपके मन का भाव पहचानने का विषय आया है। वो क्या बोलते हैं, अभी वासनाओं का शमन उपशम करने की बात वही कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, दिशा काल व क्रिया, ये परस्पर सापेक्ष जो बात आई ये सबसे जरूरी है। वो क्या बोलते हैं, जब ब्रह्म था तो उसमें कर्म नहीं थे, क्रिया, कर्म की जगह क्रिया यूज किया है शब्द यहाँ पे, क्रिया नहीं थे और दिशा का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि ब्रह्म में निर्विकल्प निराकार अवस्था थी, वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे दिशा नहीं थी, उसके साथ काल भी नहीं था, विनाश के वक्त भी काल नहीं है और निर्मिति में भी काल नहीं है। ये वस्तु जो आप बोलते हैं ये ब्रह्म, ये सामने की जो हमारे आजू बाजू में जो दिखता है वस्तु रूप में हम ब्रह्म देखते हैं उसके प्रति चल रहे हैं। वो बोलते उसमें क्रिएशन जब होता है तब कोई क्रिया भी नहीं है और काल का भी नहीं है, उसके बाद जब विनाश होता है तब भी काल नहीं है, और तीनों एक साथ रहते हैं तो ही वस्तु का रूप होता है। अगर तीनों में से एक मतलब अनुपलब्ध है तो फिर से तीनों भी नहीं है, या ब्रह्म ही है सिर्फ, और ब्रह्म में कुछ भी तो नहीं है, वहां पे निर्विकार निर्विकल्प अवस्था है। ये कितना सापेक्ष है, इसमें एक एक वाक्य एक एक शब्द बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक सीधा बोलते हैं ना, सब परस्पर सापेक्ष है और एक भी नहीं है तो तीनों भी नहीं है, और फिर तीनों भी नहीं है तो जो सामने वस्तु रूप में हमको दिख रहा है वो भी नहीं है। जो दिख रहा है वो कैसे नष्ट होता है वो भी बता दिया उन्होंने, ब्रह्म में निर्विकाल निर्विकार निर्विकल्प अवस्था और वस्तु की हमारे आजू बाजू में हुआ उसका साक्षात्कार, ये तीनों के बारे में जो परस्पर संबंध दिखाते हैं ये हमें रियलाइज करते हैं कि जो हमारे आजू बाजू में जो दिख रहा है हम जो जिसको सत्य समझ रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो सब असत्य है और ये अविद्या का परिणाम है। यहाँ पे अविद्या क्यों, जो हमें समझता नहीं है हम उसको सत्य मान बैठते, यह अविद्या है, और अविद्या का नाश करना है तो फिर से इसका इसी बातों का अभी जो हमने सीखा है उसका श्रवण करो, उसका मनन करो और यम नियम का पालन करो। जब हम हमारे मूल अवस्था में जाएंगे तो इसको रियलाइज कर सकेंगे। हमें जब आभासों में है, कल्पना विलास में दंग है तो हम फिर से अविद्या के मूल रूप में जाते हैं। कितना एक एक शब्द इतना जरूरी है, एक शब्द इधर उधर होता है ज्ञान से मर जाते हैं। इतना खूबसूरत है, डर भी लग रहा है कि हम जान पा रहे हैं या नहीं है, क्योंकि अभी एक हम कुछ और बात कर रहे थे, अभी ये शास्त्र ये विज्ञान विज्ञान के साथ साथ ये बातें हो रही, कितना खूबसूरत है ना। ब्रह्म ब्रह्म से निर्मित वस्तु है और वस्तु का आभास,
तीनों बातें साथ में, और उसे जानने के लिए हमको निर्विकल्प अवस्था में फिर से जाना पड़ेगा। इसके लिए यम नियम का पालन और इसी बात को श्रवण और मनन करना ही पड़ेगा, तो हम जान पाएंगे कि यह सब कल्पना मात्र है, आभास मात्र है, सत्य सिद्ध ब्रह्म है। इतना ही कहूंगा। जय गुरुदेव। इतना सुंदर ना संजय जी की वाणी में वो झलकता है ना कि अंदर से ऐसे उठ रहा है। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन संजय जी। हाँ, ये सारी चीजें तो बड़ा है, थोड़ा चीजें कभी कभी उसको ऐसे हम इतना सारी चीजें पालन अपने जीवन में कर पाएंगे कि नहीं, गुरुदेव ने इतना आसान बना दिया है ना, इतना बहुत ज्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं, बस ये सारी चीजें करो एंड देन साधना सेवा सत्संग करो, बात अपने आप बन जाएगी। ये अनुभव भी गुरुदेव हमें दिला रहे, बट इट्स गुड आइडिया टू जस्ट गो इन टू डिटेल्स ऑफ सर्टन थिंग्स ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वही प्रयत्न, छोटा सा प्रयत्न अपनी छोटी सी बुद्धि उसे करते रहते हैं, तो यही प्रक्रिया है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल योर एक्सप्रेशन इज, थैंक यू सो मच। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है या कुछ प्रश्न करना है, जरूर आप पूछ सकते हैं या व्यक्त भी हो सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। वी आर मिसिंग संगीता जी, संगीता जी हैज गॉन टू यूएस, याद आती है उनकी। और कोई अपने आप को आगे बढ़ाए इस सत्र को अनुरोध करके? हाँ नेहा जी बोए। जय गुरुदेव। अभी आज ब्लॅक होल चा आज विषय निघाला, तर मला असं सारखं एक कुतूहल असतं ब्लॅक होल म्हणजे काय असेल, मग त्याच्यावर मनन चिंतन केलं तर मला असं उत्तर मिळालं की खूप निगेटिव्ह एनर्जी आकर्षणाची एकत्र होत असेल आणि एकदम घनीभूत होत अस, म्हणजे काय ते केंद्रामध्ये सगळं जे काय बाकीची पंचमहाभूत किंवा आहे ती आकर्षित होत असतील आणि ती शक्ती तशीच राहत असेल, म्हणून मग आसपास जे कोणी जातं त्याला ते अट्रॅक्ट करतं ना, असं आहे ना ब्लॅक होलचं? तर हे असंच आहे का? किंवा मग कधी कधी येतं मनात की नरक आपण ज्याला म्हणतो ते ब्लॅक होल झाला, प्रश्न विचारून झाला नेहा वगैरे की काय असं जे वाटतंय ते? हा तर लेट्स अंडरस्टैंड की व्हाट ब्लैक होल इज। नहीं, प्रश्न पूछा गया है कि भाई ब्लैक होल क्या है, क्या वह निगेटिव एनर्जी है, क्या वह डार्क मैटर है, क्या डार्क एनर्जी का, ये सारे प्रश्न इवन साइंस को भी है, इवन साइंस हैव ऑल दिस क्वेश्चंस। एंड इन रियलिटी ब्लैक होल के अंदर तो कोई जा नहीं पाया, तो कोई जानता नहीं है, तो जो भी प्रपोज किया वो सारी थियोरीज है, सब कुछ थियोरी है। लेकिन हमने क्या देखा, हम लोगों के जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, कृष्ण विवर बोलते हैं ब्लैक होल को, हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर भी बोला जाता है उसको। तो कृष्ण क्या थे, कृष्ण ये सच्चे बीइंग कि सबको अट्रैक्ट करता था, लड़के लड़कियां छोटे बच्चे बड़े आदमी जो स्वामी है ब्रह्मचारी है उनको भी हिला देता था अंदर से। He was having such attraction of that love, that longing to be with the Krishna, है ना? तो इसलिए यह ब्लैक होल भी होता है, वो क्या करता है ना, अपने सेंटर में सबको खींचता है, इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और बिस उस सेंटर में जब वो खींचता है तो उसके बाद में क्या होता है, नोबडी नोज, नोबडी रियली नो नो, जो लोग बोलते हो इट इज प्योरली जस्ट अ थियरी, बिकॉज अब तक कोई नहीं जानता कि उसके अंदर घुस के भी बाहर नहीं आया, तो नोबडी नोज व्हाट ब्लैक होल इज। ऐसी जो विश्व ऐसे ब्लैक होल है जो इट इज एन अट्रैक्शन ऑफ एवरीथिंग, और उसके अंदर जाके सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके आसपास चले जाओ इसको वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि यू जस्ट गो इनसाइड इट एंड देन यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड यू डिमिनिश, व्हाट हैपेंस टू यू वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। वह ब्लैक होल होता है, उसको भी निगेटिव एनर्जी बोले, पॉजिटिव एनर्जी बोले, या सिंपल एनर्जी बोले, या सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा जो दिखता नहीं है वैसा कोई डार्क कुछ होता है क्या, या प्रकाश का अभाव ही सिर्फ डार्क होता है, या ऐसे कुछ डार्क एनर्जी होती है क्या? तो इसके बारे में जो अध्यात्म जो है वो यह कहता है
बोलते शिव जो होते हैं ना, तो शिव जब तांडव करते हैं तो उनकी उनके साथ छाया होती है ना, आपने देखा होगा। अभी छाया अस्तित्व तो क्या है, छाया होकर नहीं होती है, क्या होती है छाया? तो जो उस शिव की जो छाया होती है वही उसी को डार्क एनर्जी भी कहते हैं, कि वो शक्ति के रूप में होती है, वो दिखती नहीं है कुछ भी, लेकिन वो एक रूप में होती है। तो उसको आप की जो शक्ति होती है, ये सारी चीजें निर्माण प्रक्रिया में इसके बारे में, तो रुद्र के बारे में आएगा, तब हम लोग थोड़ा डिटेल में इसका पढ़ाई करके ना डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जब बात निकली डार्क मैटर की, डार्क एनर्जी की, तो वो शिव की जो छाया होती है वो डार्क, वो उसका और एक स्वरूप होता है, शक्ति है बट शक्ति का और एक स्वरूप वहां पे देखने को मिलता है, जो काली, जो हम लोग जिसके कहते हैं काली छाया, काली माता। तो अपने अध्यात्म में इसका, काली छाया का, और वो काली जो छाया रहती है ना वो बहुत विस्तृत होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। तो उससे रिलेटेड थिंग ये डार्क मैटर का इसके साथ निगेटिव एनर्जी का कंपैरिजन भी कई जगह पे करते हुए दिखाई देता है, तो इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल वर्णन वगैरह और कुछ करना है तो उस वक्त हम लोग उसके बारे में डिटेल में वर्णन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही शेयर करते हैं। एकदा ना गुरुजी मेडिटेशन मध्ये का काहीतरी एकदा म्हणाले होते का, हे युनिवर्स एवढं फिरत, म्हणजे आकाशगंगा आपली अशी एवढी फिरत असते ना, तर ती एखाद्या काय आता बोलले मी कृष्ण विवरा मध्ये जाऊ शकते एका क्षणामध्ये, असं अख्खीच्या अख्खी आकाशगंगा जाऊ शकते एवढी एनर्जी आहे त्याची। तर तिथपासनं जरा मला हे झालं होतं, उत्सुकता वाटली होती। नाही, खास सब्जेक्टच उत्सुकता आहे, तुम्हालाच नाही, सगळ्यांना, जे लोक सायन्सचा स्टडी करतात, क्वांटम मेकॅनिक्स, क्वांटम फिजिक्स किंवा जे आध्यात्मिक मार्गावर आहेत, त्यांना सगळ्यांना याच्याबद्दल कुतूहलता अजूनही आहे आणि अजूनही बरकरार आहे ती। द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, तर ही कुतूहलता आहे आणि हो, ती तेवढी पॉवरफुल आहे की पूर्ण पूर्ण आकाशगंगाची आकाशगंगा गिरणकृत ती करू शकते। आणि हे तर आपण एका आकाशगंगेबद्दल बोलतोय जे आपल्याला ज्ञात आहे, आणि कृष्णविवरा बोलतोय, असं जगाच्या उत्पत्तीमध्ये तर असे किती सारे कृष्णविवर आहेत आणि अशा किती तारी मिलियन्स ऑफ आकाशगंगा आहेत, त्याच्या परे त्याचा जो स्त्रोत आहे तो आत्मा, तो शिव, तो ब्रह्म, तो किती पॉवरफुल असावा, आणि त्याचं स्वरूप आपल्यामध्ये स्थित आहे, म्हणजे किती किती पॉवरफुल, बियॉन्ड शब्द आहेत, शब्दांच्या अनिर्वचनीय ही गोष्ट आहे, आणि म्हणूनच तिला अनिर्वचनीयच म्हटलं जातं, की शब्दांमध्ये व्यक्त करण्याच्या पलीकडे जे आहे, ज्याला जाणू शकत नाही, जी ती जी स्थिती आहे तीच स्थिती आपली पण आहे, आपण पण त्याच्यामध्येच स्थित, आपल्यामुळे पण ते चैतन्य उपलब्ध आहे असं म्हटलं गेलंय। थँक्यू फॉर ब्रिंगिंग दॅट टॉपिक। हा नेहाजी बोल। आणखीन एक माझ्या मनात आत्ताच प्रश्न आला की जर पर आहे तर कुठे पृथ्वी तत्व आहे तर आकाश तत्व निर्माण झालं, म्हणजे कॉन्शियसनेस मध्ये पंचमहाभूत होती, पृथ्वी तत्व घन झालं म्हणून आकाश तत्व विरल झालं असं मी समजलीय, तर मग कृष्ण विवर आहे तर कुठेतरी तेजो विवर पण इट सीम्स ना कि नेहा ताई का आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। संतोष जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना, एम आई ऑडिबल? संजय जी मेरी आवाज आ रही है? संतोष जी आप तक आवाज पहुंच रही क्या, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बाकी लोग कुछ अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं? ज्योत्सना जी, अपर्णा जी, संगीता जी, जय गुरुदेव। म्हणजे त्या एनर्जीचं आपण आपणच हे करू शकतो की एक म्हणजे किती ती अफाट असेल, एक छोटे छोटे साधे आता आपल्याला अनुभव येत आहेत तरी आपली
मनाची स्थिती इतकी म्हणजे हे होती, उच्च होतीये की दिवस दिवसभर आपण हॅप्पी राहतोय, उगाच आनंदी होतोय. म्हणजे अगदी ते 0% होत असेल, पण स्टील वी आर फिलिंग दॅट, म्हणजे एवढं ग्रेट वाटतंय. म्हणजे ती मग जर ओरिजिनली ते जर म्हणजे हे झाली, जागृत झाली, तर ते किती म्हणजे अफाट असेल ती शक्ती. म्हणजे याच्यावरूनच आपण हे करू शकतो की ती शक्ती किती अफाट असेल, एनर्जी किती अफाट असेल. त्याला काही बंधन नाही, म्हणजे इट इज बियॉन्ड अवर इमॅजिनेशन, असं ते अफाट शक्तीचं स्वरूप आहे. अँड उसका एक अनुभव तर देते ही आहे ना. अगदी झिरो लेवलला आपल्याला छोटे छोटे पॉइंट लेवलला अनुभव येतात, पण तरी किती ग्रेट फील करतोय आपण. मग ते ओरिजिनली किती ग्रेट असेल ती एनर्जी आहे ना. विस्तर आपण म्हणतो एखाद्या माणसाकडे आपण अट्रॅक्ट होतो. गुरुजींकडे बघा ना कसे लोक, असं होऊ शकतं का विदाऊट दॅट, इन विदाऊट दॅट दे आर गेटिंग एनी फिलिंग. कोणी कोणामुळे जात नाही, कोणी कोणाचे करत नाही. येथे इतकं स्वार्थी जग आहे आणि त्याच्यामध्ये गुरुजींसाठी लोक तो किती म्हणजे ती एनर्जी कशी असली पाहिजे. ते ब्रह्मस्थिती आपण ज्याला म्हणतो त्या स्थितीमध्ये तो करतात, ते वावरतात त्या स्थितीमध्ये. तेव्हाच शक्य आहे ना, तेव्हाच तर ते प्रेम उत्पन्न होतं आपल्या मनात त्यांच्यामध्ये, तेव्हाच तर ते अट्रॅक्शन उत्पन्न होतं. हे तर दिसतंय ना आपल्याला, वी सी इट, करेक्ट, इट्स व्हेरी ओबियस. 0 पॉइंट लेवलला कुठेतरी फील पण करतोय. अगदी अगदी, नक्कीच नक्कीच करतो, नो डाऊट अबाउट इट. हा संतोषजी, तुम्हाला काही शेअर करायचं प्लीज गो. नाही बस, ऍडव्हान्स बेसिक कोर्स चालू आहे एवढंच लक्षात येत आहे. म्हणजे प्रश्न उपस्थित करतो आपण मनात, पण त्याची उत्तर आपोआप पुढून येतात ते. हा तो गुरु से प्रार्थना करके बैठते तो उनके थोड़े थोड़े क्वालिटीज यहाँ पे सत्र में भी आ जाते हैं. वो बोलते ना कि हम लोग जो गुरुदेव के सान्निध्य होते तो मन में प्रश्न तो उठते हैं, लेकिन प्रश्न के उत्तर वो गुरुदेव दे देते. तो ऐसी कुछ स्थिति का अनुभव संतोष जी यहाँ पे कर रहे हैं. तो ये तो है, संभव है, उनका सान्निध्य होता है तो ये सारी चीजें होने लगती है. और एक बात है, जो हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना के बाद में तो ऐसा लगता है कि कुछ सुने सुनने की भी जरूरत नहीं है, बस वही स्थिति में हमेशा रहता है. आपको लगता है प्रार्थना के बाद कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है मैं इसके बाद बोल क्यों क्यों निकल रहे. अंबर भी हंस रहे यहाँ पे. ऐसी स्थिति होती है कि ये प्रार्थना खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में फिर ऐसे थोड़े से खुद को समझाना पड़ता है, पता है कि चलो यार कर्तव्य है, सब लोगों को बुला रहे थे, आपको कुछ तो बात करना है, इसलिए बोलना पड़ता है. और कई बार तो मैं इसको व्यक्त भी कर चुका हूँ कि इसके बाद बोलने के लिए कुछ वैसे रहा नहीं है, लेकिन जैसे कर्तव्य स्वरूप करना है इसलिए करते हैं, इसलिए बोलते बात, इस तरह से व्यक्त भी होते हैं कभी कभी. तो आई डेफिनेटली एग्री, उसके बाद में ना कुछ सुनने के लिए रहता है, ना कुछ कहने के लिए रहता है. नेहा ताई आज जॉइन बैक. हाँ नेहा ताई, जो है संजय माझा प्रश्न विचारला आणि मला काहीच म्हणजे ऐकू नाही शकले मी. तुमचा प्रश्न सुद्धा आम्ही ऐकू नाही शकलो परिपूर्ण पद्धतीने, तुम्ही प्रश्न रिपीट. माझ्या मला काय म्हणायचंय की अस्तित्वामध्ये सगळं पूर्ण आहे, जर का कुठे ब्लॅक होल आहे तर कुठेतरी तेजोवलय किंवा तेज होल किंवा काहीतरी असणं असलंच पाहिजे पूर्ण होण्यासाठी. तर असं आहे का आणि ते कुठे असेल असं प्रश्न पडतोय मला. हा तर तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तर जे शंकराचार्यांचा जो श्लोक आहे, ओम पूर्ण मद ओम पूर्ण विदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मावावशिष्यते, जो श्लोक जो कहते ना, तेच तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की हे पूर्णच आहे. कुठे आहे? पूर्णाच्या बाहेर काहीच नाहीये. आणि पूर्णातून काही काढलं असं वेगळं असला काही प्रकार त्याच्याने त्याला फरक पडत नाही, ते पूर्णच राहतं. पूर्णामध्ये आणखी काही टाकलं तर काही, इट इज लाईक अ शून्य अवस्था. तर 0+0 इज 0, 0-0 इज 0. तर त्याच्या व्यतिरिक्त काही नाहीच आहे ना, इट्स द शून्य अवस्था. इट्स द शून्य भी बोलो या पूर्ण भी बोलो, पूर्ण अवस्था ही आहे. तो वही स्थिती है, तो उसके बाहर कुछ नहीं. तो ये सारे कृष्ण विवर तेजो मैं कुछ और भी विवर होंगे, और भी तो दो नाम आपने बोले अभी, उसके अलावा और कोई 10 होंगे जिसके नाम भी हम लोग आज तक हमने अपनी पर्सपेक्टिव से उसको कुछ नाम नहीं दिया. ये चीज तो बिल्कुल संभव है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई नहीं डिनाई कर सकता कि पॉसिबिलिटीज है. तो हो ही सकता है, पॉसिबिलिटीज है इस सृष्टि में, अनगिनत पॉसिबिलिटीज है.
अनगिनत पॉसिबिलिटीज. तो मना नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते उसको. पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर. यही इसका उत्तर हो सकता है. हाँ संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अहम भाव केवल भ्रांति, ये जो विषय है वो भी बहुत खूबसूरत है. वो क्या बोलते हैं, महाकाश पूरा बोला है, उसमें हम घटाकाश अपनी ओर से ऐड करते हैं, वैसे ही अहंकार भी हम उसमें इमेजिन करते हैं. अहंकार से वो बोलते जैसे अणु में प्रचंड ऊर्जा है, वैसे ही तरह से हमने कल्पना चित्त में कल्पना को विलास किया, कल्पना से ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई. ये पहले जो हमने उत्पत्ति प्रकरण में देखा है उसका उपशम यहाँ पे हो रहा है. उत्पत्ति में क्या क्रिएशन, सृष्टि का जो क्रिएशन बताया गया है उसके बारे में हम वस्तु ये शुरू में उत्पत्ति में क्या बताया था, हमारा अहंकार का जन्म, अहंकार का निर्मित कैसे, ये यहाँ पे बता रहे हैं. उसके बाद दिशा काल और वस्तु, इसका उत्थान भी यहाँ पे बता रहे हैं खूबसूरती से. इतना मस्त है वहां पे उत्पत्ति में जो दिखाया वहां उसका अभी हम उपशम कर रहे हैं. अहंकार की निर्मित कैसी है, पहले ये पूर्ण आकाश मानना, पूरा चित्त आकाश, उसमें हमने ही घटाकाश हमारे तरीके से वहां पे आकाशों की और निर्मित कर लिया, और उसमें सृष्टि की निर्मित में अहम भाव पहले माना गया है. अहंकार का उत्पत्ति मैं, उसका निर्माता यह भी जाना गया. जब मैं निर्मित हुआ वो चिदाकाश चेतना के स्तर पर, और उसी चेतना का भाग बन के वो चेतना को आगे बढ़ा के कल्पना विलास हुआ. कल्पना विलास में फिर ये पूरी सृष्टि का उदय, उसका मूल भाव अहंकार काल, ये वहां पे बताए गए. अहंकार पहली बात है जो उत्पत्ति में स्थापित हुई, और अहंकार की उत्पत्ति बोलते कल्पना विलास, कल्पना विलास, और फिर उसके साथ साथ देह और ये पूरी सृष्टि का उत्पत्ति. ये खूब बिल्कुल इतना है ना कि सब कुछ ऐसा हो रहा है. यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं उत्पत्ति, और जब हम ये उत्पत्ति को जान लेते हैं तो हम हमारा अद्वैत रूप मानते हैं, और अद्वैत रूप मानते हैं तो हम वासना से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ हम है, और वो जानियों के स्तर पे, इंफॉर्मेशन के स्तर पर नहीं है. और जब हम एहसासों में है तो हम इससे परे निकल जाते हैं, और फिर वासना विकार ये कुछ रहता नहीं है. और वो जाने तक हम द्वैत में है, और द्वैत में सभी आपके सामने जो चल रहा है ये सब द्वैत है. वस्तु भी हम देख रहे हैं अहंकार से, अहंकार को भी हमने अलग अलग रूप से बना लिया है, अहंकार से उत्पत्ति भी किया है, काल भी दिया है, कार्य भी देखे है, ये सब उत्पत्ति का क्रम यहाँ पे दिख रहा है. जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव संजय जी, दैट वाज आल्सो अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट टुडे, इट्स वर्थ. एंड देन चार अंश के बारे में भी आपने बात ही कर लिया कि किस तरह से अविद्या का नष्ट हो सकता है. और किसी को अपना यहाँ पे अनदर टेक अवे या कोई और व्यू पॉइंट या एंगल व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होकर व्यक्त हो सकते हैं. यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर प्रश्न को भी पूछा जा सकता है. यदि नहीं तो आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे समापन कर लेंगे. आज का जो इवनिंग का जो सत्र है उसको हम लोग करीबन 1 बजे रिकॉर्ड करते हैं, तो 1 बजे फिर यदि पॉसिबल है तो मिलिए, नहीं तो फिर 8 बजे आपको पॉसिबल तो उस वक्त भी सुन सकते हैं, लाइव भी रहता है उसके भी हो सकते हैं. बट अपना जो मिस नहीं करना है, क्योंकि इवनिंग को फिर आज दर्शन लाइन रहेगी तो देव के साथ मिलने के लिए जाएंगे, तो फिर उस सत्र को हम लोग 1 बजे के करीब उसको यहाँ पे फिनिश कर लेंगे. विल शेयर द लिंक इवनिंग में भी 8 o'clock को प्ले करने का किसी को रिक्वेस्ट भी करेंगे. तो आज के इस अपने सुबह के सत्र पे समापन करते हैं. जय गुरुदेव.